नमस्ते बच्चों, सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ आपकी शुभ्रा टीचर। मैंने आपसे कहा था ना मैं फिर मिलूंगी, देखो मैं आ गई। बच्चों कैसे हो आप सब? आप सब मजे में हो ना बच्चों? बच्चों आज इस क्लास में हम सीखेंगे गिनती। आओ बच्चों सीखे हम हिंदी में गिनती 1 से 10 तक। गिनती का मतलब होता है बच्चों नंबर्स, 1 to 10। हिंदी में नंबर्स को अंक भी कहते हैं बच्चों। बच्चों क्या आप इन अंकों को पहचानते हो? नहीं पहचानते? कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बच्चों ये नंबर्स को आपको याद रखने के लिए मैं आपको एक कविता सिखाती हूँ। इस कविता को आप ध्यान से सुनिए बच्चों, ठीक है? बच्चों इस कविता में एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है, धोबी। धोबी का मतलब होता है लॉन्ड्री मैन। अ पर्सन हु वॉशेस योर डर्टी क्लोज एंड आयरन्स देम इज अ लॉन्ड्री मैन। तो हम अपनी कविता शुरू करें, तैयार हो आप लोग? तो मैं शुरू करती हूँ। धोबी आया, धोबी आया, कपड़े साफ, कपड़े साफ, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे 10 कपड़े लाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे 10 कपड़े लाया। क्या क्या कपड़े लाया? पापा का कोट, मम्मा का साड़ी, भैया का यूनिफॉर्म, मेरा ड्रेस। क्या क्या कपड़े लाया? पापा का कोट, मम्मा का साड़ी, भैया का यूनिफॉर्म, मेरा ड्रेस। तो बच्चों आपने कविता ध्यान से सुनी? अब इसी कविता को मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, आप भी मेरे साथ गाएं। ठीक है बच्चों, रिपीट आफ्टर मी। धोबी आया, धोबी आया, कपड़े साफ, कपड़े साफ, कितने कपड़े लाया, कितने कपड़े लाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, पूरे 10 कपड़े लाया। क्या क्या कपड़े लाया? पापा का कोट, मम्मा का साड़ी, भैया का यूनिफॉर्म, मेरा ड्रेस। तो बच्चों आपको ये कविता मजेदार लगी? आपको पसंद आई बच्चों? तो इस कविता की आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे सुनाइएगा, मैं आपकी कविता का इंतजार करूंगी। धन्यवाद बच्चों, मैं आपसे फिर मिलूंगी। बाय।